गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नारायणा लाइव क्लासेस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संबंधित हमारा लेखन कौशल। ओके, जिसमें जैसे हम लोग निबंध लिखते हैं, अनुच्छेद लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, संवाद लिखना, विज्ञापन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो राइटिंग स्किल्स यानी कि लेखन कौशल के अंतर्गत आती हैं। उन्हीं में से एक है लघु कथा लेखन, जो आज का हमारा टॉपिक है। लघु कथा लेखन मीन्स कहानी जो होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है, उसी तरह से जब हम किसी छोटी सी कहानी का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं लघु कथा लेखन। लघु मतलब छोटी और कथा यानी कि कहानी। तो जो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं जिनसे हमें बहुत सारा मॉरल देखने को और सीखने को मिलता है, उन्हीं को हम लोग लघु कथा कहते हैं। ओके, तो लघु कथा जब हम लिखते हैं उसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, उन्हीं के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो प्रश्न है वो यही है कि लघु कथा लेखन करते समय या लघु कथा लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, कौन सी ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जिनको खास तौर से हमें ध्यान में रखते हुए लघु कथा लिखनी चाहिए। तो शुरू करते हैं, मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिखती जाती हूँ। हमारा पहला पॉइंट है आकार में लघु और कथा तत्व से सुसज्जित सुसज्जित का मतलब होता है सजीव रचना को ही लघु कथा कहा जाता है। मीन्स आकार में कैसी होती है, छोटी, जिसे शॉर्ट कहते हैं। लेकिन कथा तत्व, एक कहानी में पात्र होते हैं, किरदार होते हैं और एक समय, एक वातावरण, एक एटमॉस्फेयर का वर्णन किया जाता है। तो कथा तत्व से सुसज्जित, सुसज्जित मतलब उसमें सारे पॉइंट्स जो एक कहानी को लिखने के लिए होते हैं वो उसमें इंक्लूडेड होते हैं, उनसे वो सजी हुई होती है अच्छे तरीके से और जब रचना की जाती है उसी को लघु कथा कहा जाता है। हमारा दूसरा पॉइंट है पात्रों की संख्या। पात्र होते हैं जो कैरेक्टर होते हैं हमारी कहानियों में, पात्रों की संख्या पर नियंत्रण, नियंत्रण बोलते हैं कंट्रोल, नियंत्रण रखना चाहिए। जब हम लघु कथा लिख रहे हैं तो पात्र बहुत कम होने चाहिए, उन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो रचना या लघु कथा जो है वो घूमनी चाहिए। और कितने होने चाहिए, ऑलमोस्ट दो या तीन पात्र, उससे ज्यादा ना हो तो ज्यादा अच्छा, पर्याप्त है। पर्याप्त का अर्थ क्या होता है, काफी, यानी उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है शीर्षक का चुनाव सोच समझ कर करें। जो कथा का जो टॉपिक लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, टॉपिक को, शीर्षक। शीर्षक का चुनाव सोच समझ कर करें। अगर टॉपिक अट्रैक्टिव नहीं होगा, आकर्षक नहीं होगा, तो लोग उसको पढ़ना ही पसंद नहीं करेंगे। शीर्षक ही, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि शीर्षक ही कहानी को परिभाषित करता है,
परिभाषित का मतलब क्या है, उसी के बारे में बताता है कि हाँ इस कहानी में आखिर किसका वर्णन किया गया होगा। और जब शीर्षक से लोग प्रभावित तो होंगे तभी वो उस कहानी को पढ़ेंगे। ओके, तो इसलिए शीर्षक लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा चौथा जो पॉइंट है वो है लघु कथा का अंत प्रभावशाली और विचारोत्तेजक। देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, विचार और उत्तेजक शब्दों से मिलकर बना है विचारोत्तेजक। मीन्स कहते ना अंत भला तो सब भला, अगर कहानी का अंत ऐसा हो जिससे लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, विचारों में नई क्रांति आती है, तो उसी को एक जो कहानी का उद्देश्य है वो पूरा होता है। तो इसीलिए लघु कथा का अंत प्रभावशाली और विचारों उत्तेजक होना चाहिए। और हमारा अंतिम जो पॉइंट है वो है आखिर कितने शब्दों में हमें लगा जो कथा को लिखना चाहिए। एक लघु कथा अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ड्स में होनी चाहिए, 100 से 200 शब्दों में, 200 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर इन सभी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखते हुए लघु कथा लिखते हैं तो एक बहुत ही अच्छी रचना आप लोग कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।